दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एआई ब्राउज़र एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है और इस एप्लीकेशन में खास बात क्या है ये भी जानेंगे। दोस्तों एक तरह का ब्राउज़र एप्लीकेशन है, जैसे क्रोम ब्राउज़र होता है, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। उसी तरह का ये एआई ब्राउज़र है, लेकिन इसमें कुछ खास है, आइए जानते हैं। अभी तक इस एप्लीकेशन को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 4.6 की रेटिंग मिली हुई है। जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका डेट शो करेगा और साथ में आपका आपके एरिया का टेम्परेचर भी शो करेगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आपको सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना चाहे कर सकते हैं। यानी जब भी कोई जैसे मान लें कोई व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया, ठीक है ना, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू ही वो ओपन होगा। तो अगर आप चाहते हैं सेट डिफ़ॉल्ट पे करना तो सेट डिफ़ॉल्ट पे कर सकते हैं, नहीं लेकिन अभी के लिए मैं लेटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको डिनाई करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आपके एरिया का टेम्परेचर होगा वो आपका शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका गूगल लेंस का भी आइकन दिया है। यहाँ से क्लिक करके हम किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको बाय करना है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फ़ोन है, चलो मान लो मेरे पास एक चश्मा है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अलाउ किया और ये मैंने चश्मा को स्कैन किया इस तरह से। ठीक है, स्कैन करते ही जैसे ही स्कैन हो जाएगा, नहीं हो रहा है दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। चलो मैं ये स्कैन करता हूँ, अगर नहीं स्कैन हो रहा है तो फोटो भी स्कैन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको बैक करता हूँ। टेक्स्ट अच्छे से स्कैन करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ सर्च करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल के अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन देते हैं। जैसे यहाँ पर विंग है, विंग के थ्रू जा सकते हैं, याहू के थ्रू जा सकते हैं, ये सब वगैरह वगैरह दिया है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल का भी फीचर दिया है, इसमें आपका जो भी डाउनलोड होगा वो सब यहाँ पर शो करेगा। और कैटेगरी वाइज, ठीक है, अगर आप इमेज डाउनलोड किए हैं तो इसमें शो करेगा, वीडियो डाउनलोड किए हैं तो यहाँ शो करेगा, डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पर शो करेगा। इसी तरह एपीके है, म्यूज़िक है, जीआई फाइल है। यहाँ पर टैब का ऑप्शन है जिसमें आप ऐप प्लस पे क्लिक करके और टैब खोल सकते हैं। ठीक है, और डिलीट करना हो तो सिंपल इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद दिया है ऑप्शन मी का ऑप्शन, जिसमें आपको यहाँ पर गूगल सर्च इंजन दे रहा है। सेट डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, अगर आप सेट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के द्वारा ही ओपन होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी सर्च किए होंगे आपके फ़ोन इस एप्लीकेशन में वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वगैरह वगैरह दिया है। अब इसमें और कुछ खास चीज़ें नहीं है इसमें, बस आपको यहाँ पर एक टेम्परेचर का ऑप्शन दिया है जिसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर चीज़ें, जैसे यहाँ चैट जीपीटी, बिंग, यानी इसकी मदद से आप 3D इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप, टिकटॉक, और यहाँ पर आपका क्लीन करना है तो क्लीनर का बुकमार्क दिया है, ये सब वगैरह वगैरह दिया है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके एक ब्राउज़र के तौर पे, साथ में कुछ और सारे बेनिफिट जैसे टेम्परेचर और यहाँ पर चैट जीपीटी, साथ में आपको बिंग का जो चैट जीपीटी है वो सब यूज़ कर सकते हैं।